विशाल भाई फ्री हग्स की टी शर्ट पहने हुआ है और झाड़ को फ्री हग नहीं दे रहा, कौवा ही हगा ऊपर विशाल। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। अभी मैं हूँ जयपुर के स्टेशन दुर्गापुरा पे और मैं जा रहा हूँ मुंबई। काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ 2 साल के बाद, क्योंकि मैं कोविड से पहले ही जयपुर आ गया था। कोविड तक मैं यहीं पे था। अभी 2 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। 2 साल के बाद मैं मुंबई जा रहा हूँ तो एक्साइटमेंट भी है और काफ़ी कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं। जैसे भी 3rd AC में जो ओढ़ने के जो ब्लैंकेट हैं वो हमें घर से लाने होते हैं, वो लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे। मैं घर से लाया हूँ कुछ बेडशीट वगैरह ओढ़ने के लिए। देखते हैं, नया सफ़र की शुरुआत करते हैं। और इस साइड से आएगी हमारी ट्रेन। मेरा डब्बा है B6 बट मैं B5 के यहाँ बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पे बेंच खाली थी, ये मेरा सामान रखा है। भाई ट्रेन में सफ़र करने का ना एक अपना ही अलग एक्सपीरियंस है। जैसे ही ट्रेन आई तो सब लोग हड़बड़ में अंदर चढ़ने लगे। आधे लोग तो मतलब भाई ट्रेन आई है थोड़ा अंदर घुसो बैठो आराम से बैग जमाओ, नहीं पहले ही ये आपका बैग है ये आपका बैग है मैं यहाँ रख लूँ वहाँ रख लूँ। फिर उसके जैसे थोड़ी देर के बाद फिर धीरे धीरे वो लोग आने लगेंगे जो फैमिली के साथ है, वो बोलेंगे आप अकेले हो प्लीज़ वहाँ चले जाओ, आप अकेले हो प्लीज़ वहाँ चले जाओ। ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलता है ट्रेन में। अभी तो मैं ये वॉशरूम के पास आया हुआ हूँ, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं बाहर के नज़ारे। ये देखिए सरसों की खेती है सामने, अभी हल्के हल्के फूल आ रहे हैं, पूरी तरीके से ये जो फूल है सरसों के वो खिले नहीं है। ये देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे। तो ट्रेन चले हुए 1 घंटा हो चुका है और 4:10 पे आई थिंक ये सवाई माधोपुर रुकेगी, तो वहाँ पे उतर के कुछ खाते हैं यार। तो भाई सवाई माधोपुर जंक्शन आ चुके हैं और मैं थोड़ा सा ट्रेन के बाहर आ गया हूँ, चाय वाय कुछ पीऊँगा। और मैंने मेरा जो लैपटॉप बैग है वो भी मैंने ले लिया है क्योंकि यार इसी के अंदर है मेन सामान जो है, इसी के अंदर मेरा लैपटॉप है, इसी के अंदर मेरा फ़ोन्स है, इसी के अंदर चार्जर है, पावर बैंक है और कैमरा के कुछ सामान है। और जो बड़ा वाला बैग है उसमें तो इतना कोई इशू नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कपड़े हैं और मेरा टेंट है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बैग है तो इसलिए मैं इसे जब भी स्टेशन पे उतरूँगा अपने साथ में लेके ही उतरूँगा। सवाई माधोपुर जो फेमस है वो टाइगर की वजह से है क्योंकि यहाँ पे सफारी होती है, टाइगर सफारी। कभी मेरे को मौका मिला ये भी मुझे एडवेंचर करना है। और यहाँ के अमरूद भी फेमस है तो यहाँ पर काफ़ी लोग अमरूद खरीदते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है ट्रेन 10 मिनट रुक रही है क्योंकि यहाँ पर इंजन चेंज होगा, मतलब ट्रेन पहले वहाँ से उधर से इधर आई अब वापस रिटर्न जाएगी, मतलब दूसरा रूट पकड़ेगी। यहाँ पे 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकी हुई है। यहाँ पे देखिए स्टेशन पे कितनी बढ़िया ये पेंटिंग की हुई है टाइगर्स की। पानी बोतल और एक ये मुझे 20 रुपये की भजिया दी है, ये देखिए दाल की बनी हुई होती है और इसके अंदर मिर्च है। और ये 10 रुपये की यहाँ पे चाय ली है जो कि ट्रेन की चाय से काफ़ी बेहतर है। शाम हो रही है, हल्की सी ठंड भी है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है यार। गरम गरम पकोड़े तल के दिए हैं ये भजिया टाइप। अभी रतलाम पहुँच गए हैं ये देखिए। अभी रतलाम जंक्शन पे हैं बट यार एक दिक्कत है, जो मेरी टिकट है वो RAC हुई है, मतलब कन्फर्म नहीं है। आधी सीट पर एक भाई आए हैं वो कोटा से चढ़े थे, मुझे जयपुर से लगा कि मेरी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है क्योंकि जो अगला बंदा है वो जयपुर से नहीं था, उसका कोटा से टिकट था। काफ़ी दिक्कत हो रही, नींद भी आ रही है, सो नहीं पा रहा यार क्योंकि ठंडा मौसम है। अभी देखते हैं अगर TT अभी रतलाम से नया TT चढ़ेगा, अगर TT अगर कुछ कर पाता है सीट कंफर्म कर पाता है तो देखते हैं। रतलाम जंक्शन के बाहर ये अपना इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा है रात में। 1:13 हो चुके हैं और अभी ट्रेन पहुंच चुकी है वडोदरा। और यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी ली है और मशीन वाली कॉफ़ी है, काफ़ी टेस्टी है, 10 रुपये में, ये पीछे इस दुकान से मैंने ली थी। अभी तक बैठे बैठे आ रहा हूँ यार। वडोदरा में थोड़ी ठंड नॉर्मल है, इतनी खास नहीं है जितनी रतलाम में हवा चल रही थी, बाकी मुंबई में तो ठंड होएगी नहीं।
सो गाइज मैं मुंबई पहुंच गया, अभी मैं हूँ बोरीवली। सो यहाँ से मैंने अभी लोकल ली अंधेरी के लिए, क्योंकि आज संडे है तो भीड़ बिल्कुल ही कम है। सो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं यहाँ से लोकल ट्रेन में जाऊँ। सो ये है यहाँ का सुबह का कुछ नज़ारा। अगला स्टेशन अंधेरी, कृपया जल्दी गाड़ी के बाहर ना छोड़ो। मैं अंधेरी स्टेशन पहुंच गया था, ये देखिए एकदम खाली है क्योंकि आज संडे है। और अभी मैं बाहर से लूँगा ऑटो जुहू सर्किल के लिए। अंकल ये 21 रुपये कब से हो गया ये? मैं 2 साल के बाद आया मुंबई। हाँ लॉकडाउन में हो गया। अच्छा बस। तो भैया हम पहुँच गए 33 रुपीज़ में। अभी मैंने यहाँ पे दूध का पैकेट ले लिया है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सुबह सुबह दूध बिकता है और दही वगैरह। तो भाई आधा लीटर दूध ले लिया है अमूल का। रूम पे जाके चाय वाय पीते हैं यार, काफ़ी थक गए हैं। और आज मुझे लग रहा है आज मैं पूरे दिन थोड़ा रेस्ट ही करूँगा क्योंकि अच्छे से नींद नहीं हो पाई मेरी। तो अपनी भाई ये वाली सोसाइटी नहीं है, इसके आगे वाली है। ये जो ऊपर वाइन शॉप लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये भी नहीं है, ये वाली है। लोग ये देख लो मुंबई में किस तरीके से यहाँ पे पार्किंग के लिए मारा मारी रहती है। ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं, और ये सारी बाइक्स इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनकी हैं। और अगर किसी के पास कार है तो भाई उसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, वो बाहर ही खड़ा करे। अरे तुम आ गए मेरे स्वागत के लिए। है बेटा तुम्हें पता था मैं आऊँगा। अच्छा अभी देखो दूध की मैं पीऊँगा, चाय तुम्हें दूँगा बाद में, ठीक है बाय। भाई ये देखिए यहाँ की लिफ्ट, इस सातवें वाले पे लग रहा है किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। चलो आ रही है नीचे, आ रही है नीचे, आ रही है। सो भाई ये है यहाँ की लिफ्ट, काफ़ी साफ़ सुथरी सी लग रही है यार पहले से वैसे, नहीं तो क्या है इसमें कुछ ना कुछ गंदगी थूकी भी रहती है। देखिए इतनी सी लिफ्ट है, यहाँ कैमरा लगा हुआ है। और ये भाई यहाँ के बटन, ये देखिए 7th फ्लोर के लिए 7 नहीं है सिर्फ, ये मार्क है। अभी मैं 6th फ्लोर पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे ऐसे गेट खोलना पड़ता है और यहाँ पे दरवाज़ा होता है उसको बंद करना पड़ता है। यहाँ पे सब मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है लिफ्ट। भाई देखते हैं ये लोग खोलेंगे कि नहीं। हेलो भैया। अरे विशाल बाबू सो रहे हो? ये देखो यहाँ अक्षय भाई भी है। अरे तेरी वेलकम वेलकम। लाइट कहाँ चलेगी? अरे 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 ये भाई मुंबई का माहौल। ये है वो विशाल भाई जो मुझे कानपुर में मिले थे, ये अक्षय भाई हैं। और यहाँ पे ये सब इनका गिटार वगैरह रखा हुआ है। सो भाई अभी थोड़ी देर के लिए मैं रखता हूँ, बाद में करते हैं जो भी करते हैं। सो भाई अभी हम लोग बाहर आ गए हैं चाय पीने, क्योंकि विशाल भाई ने बोला रूम पर नहीं पियेंगे यार, बाहर पियेंगे अब इतने दिनों के बाद आए हैं। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं चाय पीने, बीच पे भी जा रहे हैं। बीच पे भी जाएंगे? सो भाई आपको मैं बीच भी दिखा दूंगा। सुबह सुबह अलग ही नज़ारा होता है बीच का। और यहाँ पे देखिए पोस्टर लगे हुए, यहाँ पे ऐसी होर्डिंग्स आपको बहुत मिल जाएगी। और अभी मैं हूँ JVPD बस डिपो पे, ये जो मेरे पीछे है। यहाँ पे इतनी बस नहीं है, एक दो ही खड़ी हुई है, अभी तो एक ही खड़ी है फिलहाल। लाओ भाई लाओ नागौरी चाय। ना गोरी नहीं, सिर्फ काली चाय, सिर्फ काली। ठीक है, यह है चाय और ये मस्का पाव। सो भाई मुंबई आए और मस्का पाव नहीं खाया चाय के साथ, तो क्या चाय पी, वो भी नागौरी पे। ये देखिए। तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं बीच पे, इस बीच को बोलते हैं सिल्वर बीच। पानी काफ़ी आगे तक है आज विशाल भाई बता रहे हैं, नहीं तो जो आपको आगे वो नाव दिख रही है उसके भी आगे तक रहता है। ये देखिए सुबह की यहाँ पे भीड़। चल भाई फ्री हग्स की टी शर्ट पहने हुआ है और झाड़ को फ्री हग नहीं दे रहा, कौआ ही आगा ऊपर खाली। अब ऐसा बहुत मस्त भाई, बहुत मस्त। अब तेरी बारी है, चलो धाम से ही गिर जाऊंगा।
ओके भाई थैंक्स बडी। भाई मैंने लिया है मलाई वाला नारियल, ये भाई सिर्फ पानी वाला पी रहे हैं। सो गाइज वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। जब तक के लिए बाय। अबे कर दो यार भाई नज़ारे देख ले यार, मस्त है यार सोच अलग ही, क्योंकि 2 साल के बाद आया हूँ मुंबई, बट मज़ा आ रहा है।